हेलो गाइस, मैं हूं तारचंद शर्मा और आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे बिना जिम इक्विपमेंट्स के चेस्ट कैसे बनाएं। जिसमें हम बात करेंगे कुछ चेस्ट एक्सरसाइज के बारे में और इक्विपमेंट्स के नाम पे हम केवल दो ईटों का यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो में हम बात करेंगे अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट और लोअर चेस्ट के लिए और इनर लाइन को कैसे ब्रॉड करें, क्योंकि इसी की वजह से अपना चेस्ट अच्छा दिखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज जो कि अपन कर रही है अपनी मिडिल चेस्ट के लिए। एक्सरसाइज के दौरान अपने को पोजीशन का खास ध्यान रखना है और चेस्ट की एक्सरसाइज के टाइम ये आर्च मेंटेन रखना है। ये आर्च यहाँ पे गैप रहना चाहिए, पेटों को पकड़ना है और ऊपर लाते टाइम स्क्वीज करना है चेस्ट को। स्क्वीज जितना धीरे करोगे उतना इफेक्ट ज्यादा दिखेगा। बात करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज के बारे में। सेकेंड एक्सरसाइज जो कि अपन को करनी है लोअर बैक्स के लिए, लोअर चेस्ट के लिए, उसके लिए अपन को एक पिलो यूज करना है। पिलो को अपन हिप्स के नीचे लगाना है, पिलो को हिप्स के नीचे, देन पकड़ना है ईटों, वही धीरे धीरे लेके जाना है ऊपर लाते टाइम स्क्वीज। ये अपनी हो गई लोअर चेस्ट की। चलिए बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज के बारे में। थर्ड एक्सरसाइज जो कि अपन करेंगे इनर लाइन को बढ़ाने के लिए, लेटना है, दोनों ईटों को लेना है, जोड़ना है और बिल्कुल चेस्ट के ऊपर रखना है, आर्च मेंटेन करनी है और नीचे ऊपर लाते हुए स्क्वीज लाते हुए स्क्वीज। जितना धीरे करोगे उतना इफेक्ट अच्छा आएगा। चलिए बात करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज के बारे में जो कि करनी है अपर पैक्स के लिए। इसमें अपन को दो बड़े पिलो यूज करना है और उनको एडजस्ट करना है इसे। तो को पकड़ना है, ऊपर ले जाते हुए वही स्वीप करना है धीरे धीरे। इन एक्सरसाइज के बाद आपको पुशअप्स लगाना है। पुशअप्स में तीनों पुशअप्स लगानी है आपको, स्टैंडर्ड, इंक्लाइन और डिक्लाइन। चलिए बात करते हैं स्टैंडर्ड पुशअप्स के बारे में। स्टैंडर्ड पुशअप्स आपको अपने हाथ शोल्डर लेवल के नीचे रखना है, बिल्कुल पूरा नीचे जाना है, पैर सामने रहेगा और जितना स्लो करोगे उतना सही रहेगा आपके लिए। बात करते हैं डिक्लाइन पुशअप्स के लिए। डिक्लाइन पुशअप्स के लिए अपने को वो पिलो यूज करना है, पैर ऊपर रहेंगे और वही पोजीशन रहेगी, शोल्डर लेवल पे अपना हाथ रहेंगे, ईटों का यूज करना है, ईटों को अपन को खड़ी कर लेना है, देन शोल्डर लेवल पे रखना है, फिर नीचे जाना है,
जितना स्लो हो सके उतना। इस एक्सरसाइज में आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखेगा। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, रेगुलर रखोगे इफेक्ट जरूर दिखेगा, उसकी गारंटी मेरी है। पर आपको डाइट का खास तौर पे ध्यान रखना है, जितनी अच्छी डाइट होगी उतना जल्दी इफेक्ट और अच्छा इफेक्ट दिखेगा। अगर आपको डाइट का वीडियो देखना है तो मेरा, मैं इसमें वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप जाके देख लेना। चलिए।